नमस्कार, न्यू कॉबेक समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। विश्व प्रसिद्ध कॉबेक नेशनल पार्क के सरपदुही रेंज में एक बाघिन हिंसक हो गई थी। उस बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया गया है। इस बाघिन ने 15 जून को एक बाइक सवार को हमला कर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि 17 जून को एक बाइक सवार को हमला कर उसको घायल कर दिया था। गनीमत यह थी कि इसके पीछे जिप्सी आ रही थी, जिससे इसकी जान बच पाए। इसे पकड़ने की अनुमति कॉबेक प्रशासन ने ली हुई थी, जिसके बाद लंबे समय से इसे पकड़ने की कवायद जारी थी, जिसकी पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद शुक्रवार शाम करीब 7 बजे इसे ट्रैंक्विलाइज कर ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेक समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेक समाचार के लिए यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये एक टाइगर हमने ट्रंकलाइज कराया, इसकी अनुमति हमें मिल गई थी, तो उसे पिछले 1 तारीख से हमें इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और कल शाम को हमें 7 बजे करीब इसमें सफलता मिल गई। और इसको प्रारंभिक जांच के बाद अभी हमने रेस्क्यू सेंटर भेजा है और फिर जैसे भी हमें ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। ये धनगढ़ी गेट के पास से सरदुरली रेंज से ये एडल्टहुड में है अपने, और फिलहाल तो हम सुबह भी इसकी जांच कराए हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ है टाइग्रेस। इसके 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 डीएनए सैंपल हम भेजेंगे अभी।